आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। चेन्नई सुपर किंग ने समीर को 8,40,00,000 रुपए में खरीदा है और 20,00,000 का बेस प्राइस कहा जाए वो समीर रिजवी का रखा गया था, लेकिन 20,00,000 के बेस प्राइस से बोली शुरू होकर 8,40,00,000 तक पहुंच गई। यूपी T20 में समीर ने बेहतर प्रदर्शन किया था और समीर रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बहुत बहुत बधाई आपको चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। इस बार आईपीएल में आप खेलते हुए नजर आएंगे। पहला रिएक्शन आपका जब आपको ये आईपीएल का जो बिड हुआ उसके बाद जब आपको ये खबर मिली, किस तरह से आपका पहला रिएक्शन रहा इस पूरे खबर पर? नहीं, काफी खुशी हुई जी। कि मेरा आईपीएल में सिलेक्शन हुआ, काफी गर्व की बात है मेरे लिए भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई जैसी टीम में मेरे को खेलने का मौका मिलेगा, तो काफी खुश हैं सब, घर वाले भी और मैं भी जी। किस तरह से स्ट्रेटजी अब समीर, चूंकि आपका सिलेक्शन जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के लिए हुआ है, निश्चित तौर पर कहा जाए एक अच्छे खासे अमाउंट में चेन्नई सुपर किंग्स ने आपको खरीदा है, तो अब किस तरह की स्ट्रेटजी है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए, आईपीएल में खेलने के लिए? सर, यही बस प्लान करना है कि मेरे को सीएसके के लिए अगर मैच मिले तो मैं उसमें परफॉर्म कर पाऊँ, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है उस चीज को लेके। जी समीर, देखिए महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा नाम है और कहा जाए कि जो भी नए प्लेयर्स हैं जो कहा जाए कि क्रिकेट खेलते हैं उनका एक सपना रहता है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर करें, ऐसे में आपको ये मौका मिलने वाला है, किस तरह की फीलिंग जो है वो इस वक्त जहन में आ रही है? सर, काफी अलग फीलिंग है, बहुत एक्साइटेड फीलिंग है कि बस ये चीज जो हुई है वो जल्दी से हो जाए और उनसे मैं मिल पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ, तो बहुत नेचुरल फीलिंग है जी। समीर, सीएसके की तरफ से कहा गया है, कोई प्लानिंग अभी तक की गई है? कब से कहा जाए कि ट्रेनिंग कैंप जो है उसकी शुरुआत पहले से ही चूंकि हो जाती है आईपीएल के लिए, तो उसको लेकर कोई अभी तक जानकारी सामने आई है क्या? नहीं 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 सर, अभी उसके लिए ऊपर कोई अपडेट नहीं जी। तो आप प्रैक्टिस अभी जो है आपने शुरू कर दी है आईपीएल के लिए, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी T20 जो लीग हुई थी उसमें भी आपने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, वो जो प्रैक्टिस है वो अभी भी बरकरार रखी हुई है समीर जी? हाँ जी, प्रैक्टिस डेली मैं करता हूँ और मेरे मामा ही जो मेरे कोच है मेरे को रोज लेकर जाते हैं ग्राउंड पे और वही मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं रोज। समीर, ये जो आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, क्या आप ये ऑक्शन लाइव देख रहे थे, चूंकि आपने भी अपना नाम रजिस्टर करवाया हुआ था आईपीएल के लिए? हाँ जी हाँ जी, मैम लाइव देख रहे थे। तो कैसा रिएक्शन रहा जब ये कहा जाए जो पूरी बोली लग रही थी, घर में कैसा माहौल था, माता पिता का किस तरह का माहौल था, जो तमाम फ्रेंड्स आपके साथ वहाँ इस वक्त मौजूद थे? काफी इमोशनल भी थे सब और काफी खुश भी थे जी। तो कह सकते हो कि सबके आंखों में खुशी के आंसू भी थे, बट वो खुशी जो है वो बस जो मैं जाहिर नहीं कर सकता, इतने खुश थे सब जी। बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी आईपीएल सीजन के लिए। आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, काफी खुशी है कि वहाँ खेलने का मौका मिलेगा, तो बस यही है कि वहाँ जाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। धोनी सर के साथ खेलने का सबसे बड़ा मौका मिल रहा है मेरे को ये, तो मैं उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो मेरा आइडल हैं, मेरा एक तरीके से सपना पूरा होगा उनके साथ खेलने का। मेरा बहुत पहले से ड्रीम था कि मैं उनके साथ एक कोई भी एक मैच खेल सकूँ। अच्छा, आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? नहीं, इसका श्रेय सिर्फ 3 जनों को जाता है, मेरे पेरेंट्स को, मेरे मामा को और राजीव सर को, जिन्होंने यूपीसीएल में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है जहां पर सड़क हादसा